न्यूज़ सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNH न्यूज़ टीवी और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। बांग्लादेश हिंसा और वहां हिंदुओं के हालात पर लाल किले से क्या बोले पीएम मोदी। देश की आर्थिक प्रगति से गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या में भारी कमी आई, राष्ट्रपति मुर्मू। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने किया ध्वजारोहण। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बांग्लादेश हिंसा और वहां हिंदुओं के हालात पर लाल किले से क्या बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन के दौरान देश से जुड़े तमाम मुद्दों पर बोलने के बाद बांग्लादेश में चल रही हिंसा और हिंदुओं पर ही रहे हमलों पर भी बात की पीएम मोदी ने। कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, भारत चाहता है कि पड़ोसी देशों में शांति रहे। बांग्लादेश में जो हुआ वो बहुत चिंताजनक है। बता दें कि 5 अगस्त को बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आ जाने के बाद से बांग्लादेश एक अस्थिर राजनीतिक स्थिति से गुजर रहा है। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं। तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। साथियों, वो एक समय था जब लोग देश के लिए मरने के लिए। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। देश की आर्थिक प्रगति से गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या में भारी कमी आई, राष्ट्रपति मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में देश की आर्थिक समृद्धि का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने विगत कई वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है और विभिन्न क्षेत्रों में उत्साहवर्धन प्रदर्शन किया। जिस तरह हम अपने परिवार के साथ विभिन्न त्यौहार मनाते हैं, उसी तरह हम अपने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को भी अपने उस परिवार के साथ मनाते हैं जिसके सदस्य हमारे सभी देशवासी। 15 अगस्त के दिन देश विदेश में सभी भारतीय ध्वजारोहण समारोह में भाग लेते हैं, देशभक्ति के गीत गाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। जो हम बच्चों को अपने महाराष्ट्र तथा भारतीय होने के गौरव के बारे में। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने किया ध्वजारोहण। 78वें स्वतंत्रता दिवस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सीएम आवास पर तिरंगा फहराया। अपनी भावनाएं उन्होंने सोशल मीडिया मंच पर साझा की। अमर शहीदों को नमन कर प्रदेश वासियों को राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय गौरव के महापर्व 78वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज के इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री आवास पर ध्वजारोहण कर भारत माता की पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अद्वितीय त्याग और अटूट समर्पण के साथ सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों का स्मरण कर उन्हें सादर नमन किया। जय हिंद, जय भारत। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNH न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNH न्यूज़ TV पर। नमस्कार। ये है MNH न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNH न्यूज़।